नमस्कार, वेलकम टू गर्जर साहब। मैं उर्मिला आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल पर रखकर। हम लोग सिलाई वगैरह तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन हमें दिक्कत आती है जिप में रनर डालने की। ये रनर हमें बहुत परेशान करता है। इसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। कई बार तो हमने फॉक्स का इस्तेमाल किया है वीडियोस वगैरह देख के, लेकिन फिर भी हमें बहुत मुश्किल होती है रनर डालने में। तो आज मैं आपको पांच ऐसे मेथड बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है, जिनको यूज करके आप बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में रनर डाल लोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और इन पांचों मेथड में से कोई तो आपका फेवरेट होगा जो आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो सारे मेथड मैंने बहुत ही आसान बताए हैं, लेकिन एक तो होता ही है ना जो अपना फेवरेट हो। तो आप सारे मेथड देखना और फिर डिसाइड करना आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी वो तरीका जो बहुत ही नॉर्मल है, सभी को पता है लगभग। तो ये है हमारी जिप, इसमें हम लगाएंगे ये रनर। इसको इस तरह से डालेंगे हम एक तरफ से। जब ये आधे से ज़्यादा फंस जाए तो दूसरी तरफ से भी डाल देंगे दूसरा वाला हिस्सा। इसको भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ाएंगे इस तरह से, लगभग दोनों को बराबर कर लेंगे। फिर रनर को पकड़ेंगे कस के, जिस हाथ से हम ज़्यादातर काम करते हैं उससे ज़्यादा जोर लगाकर, जैसे कि मैं राइट हैंड से करती हूँ, थोड़ा सा जोर लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा खींच के, बस डल गया रनर। तो बहुत ही आसान है। चलिए अब मैं दूसरा मेथड बता देती हूँ। उसमें भी पहले तो हमें ऐसे ही फंसाना है। जैसे जैसे मेथड आगे पहुंचते जाएंगे इजी होते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे फंसा लिया पहले की तरह, फिर दूसरे हिस्से को फंसा लेंगे जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे। बस हम हाथों से नहीं खींचेंगे अब जोर लगा के। हमारे घर में ज़्यादातर ऐसे प्लायर्स होते हैं तो उससे ही हम पकड़ के इसको खींच लेंगे ऐसे, और डल गया ना कितनी आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। गलियों में जो चेन ठीक करने वाले आते हैं वो भी ऐसे ही डालते हैं। अब तीसरा मेथड, तो इसके लिए हम कैंची से इसको इस तरह से काट देंगे साइड से तिरछा करते हुए, ये देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि जो आगे का हिस्सा है उसके पास से थोड़ा कपड़ा हट जाएगा तो इजीली अंदर घुस जाएगा रनर के। तो ये हमने ले लिया है रनर, और पहले की ही तरह इसमें हम डालेंगे, इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा हिस्सा लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ाएंगे, और हमें इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी औजार की ज़रूरत नहीं है। बस हम ऐसे ही इसको ऊपर करेंगे और नीचे की तरफ से इन दोनों हिस्सों को हम मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे और जोड़ लगाएंगे और ये अपने आप ही चढ़ जाएगी। हो गया ना, बढ़िया। एक बार मैं और दिखा देती हूँ कि कितना आसान है। पहली तरफ से डाला, दूसरी तरफ से डाला, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। दोनों हिस्सों को बराबर करके, पास पास करके, और रनर को नीचे की ओर धकेलेंगे। ये देखिए बस हो गया काम। तो कितना इजी है ना। तो ये हो गए आपके तीन मेथड। अब हमें चौथे मेथड के लिए क्या करना है, इसकी तार को थोड़ा सा खींच देना है ऐसे बाहर को, सीधा कर देंगे इसे जितना पॉसिबल हो। बिल्कुल सीधी तो नहीं होगी, ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कर लेंगे हम। जो वैसे भी ना डाल पाए तो वो इसे बहुत ही आसान तरीके से डाल लेंगे। तो ये देखिए पहले की तरह ही इसको हम अंदर डालेंगे थोड़ा सा, बस ये तार ऊपर को आ जाए इतना, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। दोनों तरफ की तार आ गई है,
बस हम तार को पकड़ेंगे और रनर को खींच देंगे। हो गया काम, कुछ ही सेकंड्स लगे हैं, एक दो सेकंड और रनर डल गया है, है ना आसान। तो ये था हमारा चौथा मेथड। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट मेथड। लास्ट मेथड में क्या करना है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसके लिए हमें सुई धागा ले लेना है, धागे को हमें डबल करके डालना है और फिर यहाँ पर जहाँ पर ये प्लास्टिक की तार होती है उसके पास से इसको निकाल लेंगे और नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमें पक्का कर देना है। अब इसे दूसरे वाले हिस्से में से निकालेंगे, देखिए ऐसे। और इस तरह से थोड़ा छोड़ देना है और इसको यहाँ पर टाक देंगे, नोट लगा के काट देंगे धागे को दोनों तरफ से। पक्का करने के बाद हम थोड़ा सा मजबूत कर लेंगे, डबल कर लिया है मैंने ताकि टूटे नहीं। अब धागे को ऊपर कर देंगे इस तरह से और जो रनर है उसको फंसाएंगे पहले की तरह इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी धागा ऊपर करके फंसा देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब रनर को पकड़ लेंगे और धागे को खींचेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे तो रनर नीचे हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए बस डल गया ना रनर, है ना आसान। अगर आपको एक भी मेथड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।